हे गाइस, वेलकम टू लालीज किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है लालीज किचन में, वो है मेथी अंडा। और ऑलमोस्ट मैंने अपनी रेसिपीज़ में मैंने अभी तक कोई भी नॉनवेज डिश नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा है कि आज मैं मेथी अंडा बना के आपको दिखाऊं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि लालीज किचन में मेथी अंडा कैसे बनता है। दोस्तों, मैंने ऑयल में ऑलरेडी जीरा, सरसों और प्याज को भून लिया है। कुछ इस तरह से दिखती है। अभी इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, तो इसे एक एटलीस्ट 5 मिनट सॉटे कर ले, ताकि जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए, मतलब जो कच्चापन रहता है वो निकल जाए। अदरक लहसुन अच्छे से मतलब फ्राई हो गया है, तो अभी मैं इसमें करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। और करी पत्ता को भी आपको सॉटे करना है, ज़्यादा मत फ्राई कीजिएगा, सॉटे काफ़ी है, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई। उसके बाद में मैं इसमें टमाटोज ऐड करने वाली हूँ, और दोस्तों जो मेरा टिप है, मतलब जो टिप्स मैं देती हूँ आपको, कि अगर आपको जल्दी से टमाटो को अच्छे से पकाना है, तो आप जैसे ही टमाटर डालते हैं, तो आप उसमें हल्का सा मतलब नमक, जैसे मैंने अभी ऐड किया है, और आप इसमें हल्दी मिलाइएगा। जैसे ही आप नमक और हल्दी मिक्स करते हैं, मतलब डालते हैं, तो अच्छे से मतलब वो पक जाता है, मतलब गल जाता है जल्दी से। तो मैंने अभी हल्दी ऐड कर दी है, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं कि ये टमाटर पक रहे हैं, और अभी मैं इसमें जो पाउडर मसाले हैं, जैसे कि मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, और उसके साथ मैंने रेड चिली पाउडर भी लिया है, तो मैंने इन सबको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ऐड करने के बाद इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और तुरंत आप मिक्स करने के बाद में आप जो गैस है उसे सिम पे रख दीजिए, ताकि जो आपका टमाटो है और जो मसाले हैं वो अच्छे से मतलब पक जाए। और जैसे ही मसाले और टमाटो पक जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो तेल है वो छूट जाएगा। तो अभी मैं इसको सिम पे रख के इसे पकाऊंगी। गाइस, अब देख सकते हैं कि टमाटर और मसाला अच्छे से पक गया, और साइड में ऑयल भी छूट गया है। तो अभी जो हमारे इस मसाले में ऐड होगा वो है मेथी। और मेथी को ऐड करने के बाद में आप इसे एटलीस्ट एक 5 मिनट अच्छे से मतलब मिला लीजिए, क्योंकि ये तो पत्ता रहता है, तो मतलब ये 5 मिनट में ही मतलब गल जाता है, मतलब तो इस तरह से आप इसे मिक्स कर दीजिए। और एटलीस्ट एक 5 मिनट के लिए आप इसे सॉटे कीजिए। गाइस, मेथी अच्छे से पक गई है, और अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अंडा। और अंडा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आप चाहे तो अंडे को ब्रेक भी कर सकते हैं, मतलब फेटते हैं ना, तो फेट के भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको फेटना नहीं है, तो आप ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अंडा डाल दें, आप गैस को सिम पे रखिएगा, और इसे ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, मतलब हल्का सा ही मिक्स करके इसे सिम पे रख के आप इसे ढक दीजिए। और जैसे भी आपको पता है कि अंडा स्टीम हो जाता है, और मसाले तो ऑलरेडी मिक्स है, तो इस तरह से आप इसे खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे को बहुत ही हल्के हाथों से ही मिक्स किया है, क्योंकि आप जैसे ही गैस को स्टीम में रखेंगे, तो ये अंडा है वो अच्छे से स्टीम हो जाएगा, और आप इसे आसानी से भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसको ढक देंगे एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे लालीज किचन में मेथी अंडा कैसे दिखता है। गाइस, मैंने इसे एक 10 मिनट्स के बाद निकाला है, और मैंने इसको
फिर दोबारा से अच्छे से हिलाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। तो आप 10 मिनट्स तक, अगर आपका गैस अगर सिम पे भी थोड़ा तेज है, तो फिर आप इसे 5-5 मिनट के बाद चेक करते रहिए और देखते रहिए कि कहीं ये मतलब बर्तन को पकड़ ना ले। तो आप उसको 5-5 मिनट्स के बाद हल्के हाथों से ही उसको अच्छे से सॉटे कीजिएगा। हे गाइस, मेथी अंडा इज़ रेडी, और आप देख सकते हैं कि ये कैसे एकदम डिलीशियस और रेडिश ग्रीन दिख रहा है। मैंने इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल किया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है धनिया पत्ती तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और आप इसे रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर चावल गर्म है तो चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। तो गाइस, अंडा मेथी इज़ रेडी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग लालीज किचन, एंड हैव अ गुड डे।